हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कौन सी दैवीय शक्ति आपकी रक्षा करती है, यानी कि क्या कोई स्पिरिट, कोई एनर्जी, कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। तो वो कौन सी शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है एक शील्ड की तरह। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आप लोग ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, साथ ही साथ ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आपका कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद पहुंचें, आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए। इसीलिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊंगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं आपका, और यहाँ देखते हैं कि कौन सी दैवीय शक्ति आपकी रक्षा करती है। ओके, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आइए चलिए देखते हैं यहां पर कि कौन सी दैवीय शक्ति आपकी रक्षा करती है। ओके, लेट्स सी। पहला ये कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है, अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, अगला कार्ड है द टावर। Nothingness, trust, abundance. Okay. तो कौन सी दैवीय शक्ति आपकी रक्षा करती है? पहली चीज तो व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूं कि ये कोई मेल एनर्जी है, मेल स्पिरिट है। ओके, ये कोई फीमेल स्पिरिट नहीं है, इट इज अ मेल स्पिरिट जो आपके लीनेज में, आपके फैमिली में किसी की है। ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं जो गुजर चुके हैं, आपके आपके परिवार से कोई गुजरे हैं, अगर नॉट के अभी बहुत रिसेंट गुजरे हूं, पर आपके कोई एंसेस्टर हैं, आपके कोई पितर हैं जो आपके खानदान के, घर परिवार के थे, वो जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो एक शक्ति है, वो एक पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों को आपसे बिछड़ना पड़ा है, लाइक कोई रिलेशनशिप है तो कोई आपको चीट कर देता है, या आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो वो लोग वियर्ड बिहेव करते हैं और आपसे अच्छे से बात नहीं करते, आपसे दूर हो जाते हैं। मतलब कई चीजें ऐसी हैं जिनको आप पाना चाहते हो, जिनको लेकर आप काफी अट्रैक्ट होते हो या जिनको आप पसंद करते हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें पा नहीं पाते हो। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके पितर, ये जो भी स्पिरिट हैं, ये आपको ऐसे लोगों से बचा लेते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। सपोज आपको कोई पसंद आया, उसने भी आपको प्रपोज किया, आपने भी उन्हें कन्फेस किया, तो ये कनेक्शन, ये एक रिलेशन चल पड़ा,
लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या आगे जाके आपके साथ कोई चीटिंग करेगा, या आपको बहुत रुलाएगा या तकलीफ देगा, तो आपके पितृ, ये जो स्पिरिट है, ये उनको पहले ही आपसे दूर कर देते हैं और आप बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं कि ये मुझसे दूर क्यों हो गए, मुझसे इनके बिना रहा नहीं जा रहा है, ये मेरे पास कब आएंगे। लेकिन ये आपके पितृ जो हैं, ये जो स्पिरिट है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए ही ये सब करते हैं, आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं। ओके या तो आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है। ओके तो यहां पर ऐसा है कि कई लोग आपसे दूर हो गए, आपसे आपको बुरा लगा उस चीज का, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए, आपके स्पिरिट्स ने आपको प्रोटेक्ट किए हैं, ये जो भी पावरफुल स्पिरिट है आपके लीनेज में, आपके खानदान में। ओके ये आपके दादाजी हो सकते हैं, परदादाजी हो सकते हैं, चाचा जी, पिताजी कोई हो सकते हैं, पर ये हैं आपके खानदान के ही। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये हमेशा आपके आसपास रहते हैं, इतने आसपास नहीं कि बिल्कुल आप महसूस करो कि मेरे पास से कुछ कुछ था अभी, ऐसे नहीं, आपके आसपास मतलब आप हमेशा इनके नजरों में रहते हो, वॉच करते हैं आपको ये दूर से, हमेशा आप इनकी नजरों में रहते हो। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, आप कहीं बाहर गए हैं, किसी कुछ एक्सीडेंट हुआ किसी का रोड पर, लेकिन आपको वो गाड़ी लगते लगते बच गई, या एक्सीडेंट आपको टच करते करते बच गया, आप बोलते भी होंगे बाल बाल बचा मैं, वरना मैं थोड़ा सा ऐसे और होता, थोड़ा सा वैसे और होता, और मैं भी गिर जाता, या मुझे भी लग जाती, या मैं भी गिर जाती। तो ऐसे ही कई इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि अगर मैं नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, तो आप बाल बाल चीजों से बच जाते हैं, नुकसान होने से बाल बाल बच जाते हैं। ऐसा है क्योंकि ये जो स्पिरिट है, ये आपको हमेशा वॉच कर रहे हैं, हमेशा आपके आसपास है, ये आप पर नजर रख रहे हैं, और ये आपके दुश्मनों पर भी नजर रख रहे हैं, जो आपके लिए गलत सोचते हैं उन पर नजर रख रहे हैं, और उनको आपसे दूर कर देते हैं। यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास आपके आपके इनोसेंस का, या आप लोगों का ट्रस्ट करते हो, या लोगों की हेल्प करते हो, काइंड हो, जैसा भी आपका बिहेवियर है, इस चीज का अगर कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, जैसे आपसे पैसे बोरो कर ले लेकिन बाद में लौटाएगा नहीं, ठीक है, जैसे आपसे अपना कोई काम करवा ले लेकिन कभी आपके काम ना आए, तो आप अगर ऐसे लोगों की मदद करना चाहें या ऐसे लोगों को उधार देना चाहें, या इनके लिए कुछ करना चाहें, तो ऐसी सिचुएशन अपने आप ही खड़ी हो जाती है कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, आप चाह कर नहीं कर पाते, सोचते हो कि अरे मैं यहाँ फंस गया, मैं नहीं आ पाऊंगी, हाँ मैंने कहा था लेकिन अब मैं बिजी हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या करूं, सिचुएशन ऐसी हो गई। तो आपके जो स्पिरिट है ये आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं ऐसे लोगों से जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, चाहे आप फिर उन लोगों से सॉरी बोलते रह जाएं कि सॉरी मैं आपके काम नहीं आ पाया, हाँ मैंने कहा था, वादा किया था कि मैं आपको उधार दूंगा, या आपके काम आऊंगा, या आपका काम कराऊंगा, बट सॉरी मैं आ नहीं पाया, कर नहीं पाया, तो आप ऐसे लोगों के जाल से बच जाते हैं। तो ये कोई दैवी शक्ति है, ये जो आपके पितृ ही है, ये जो आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना आपको वॉच कर रहे हैं, आपका कोई नुकसान या हानि होने से बचा रहे हैं आपको, राइट। यहां पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं आग बंद करके, कि वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, आपको किसी ऐसी सिचुएशन का या किसी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करने देंगे जो आप डिजर्व नहीं करते हो। तो यहां पर आप उन पर आंख बंद करके फेथ कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, अपने एंसेस्टर, जो भी एंसेस्टर स्पिरिट है आपके पास, इनको थैंक यू कर सकते हो, इनको प्यार कर सकते हो, इनको इनको प्रणाम कर सकते हो, हर तरीके से इनको सम्मान देना है आपको, और इन पर पूरा भरोसा करना है कि ये आपकी रक्षा करते हैं और आगे भी करेंगे। You have to maintain your trust. यहां पर मुझे लग रहा है कि अगर ये खुश रहेंगे, ये स्पिरिट की भी आप सम्मान करेंगे, तो आपको प्रोटेक्ट करते ही हैं, आपको प्यार करते ही हैं, आपको ब्लेस करते ही हैं। लेकिन अगर आप भी इनका सम्मान करेंगे, पितरों को खाना देने के नाम से आप चिड़ियों को दाना डाल दें, या चींटियों को थोड़ा आटा डाल दें, या किसी गरीब की भी सहायता करें,
कुछ भी करें आप अपने इनको याद करके, अपने स्पिरिट को याद करके, अपने एंसेस्टर स्पिरिट को याद करके, तो कहीं ना कहीं वो और खुश होंगे, आपको और ब्लेस करेंगे और यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई बहुत दिख रही है कि आप बहुत फलोगे फूलोगे, बहुत सक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी आपके जीवन में आएगी, कामयाबी आएगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस आएगी, कमी नहीं होगी किसी चीज की, कभी पैसों की भी कभी कमी नहीं होगी, करियर में कोई उतार चढ़ाव आएगा तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, इस तरीके की आपको स्टेबिलिटी और अबंडेंस प्रोवाइड करेंगे वो। तो हमेशा उनके आगे नतमस्तक रहिए, उनको धन्यवाद कीजिए क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर पल, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा भी मैसेज है व्यूअर्स कि अगर आप अब तक मानते थे कि ठीक है हमारे पितृ हैं, लेकिन आप उनको पूज नहीं पाते थे, यानी कि उनको प्रे नहीं कर पाते थे, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर पाते थे, तो आप करने लगे, जैसे आप डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं, ऐसे ही आप इन्हें भी थैंक्स कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप कभी ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत बड़ा फेलियर देखना पड़ता है और आप सोचते हो कि ये कैसा साथ दे रहे हैं भगवान, ये कैसा साथ दे रहे हैं हमारे पितृ, जो हमको इतना बड़ा फेलियर, इतना बड़ा दुख झेलना पड़ता है। तो व्यूअर्स, वो इसीलिए होता है कि जब आप इन्फ्लुएंस होके या किसी की कॉपी करके या किसी की बातें मान के या समाज को कॉपी कर करके, लोगों की कॉपी करके, या किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, किसी को कुछ इम्प्रेस करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू करते हो, एक्शन लेना शुरू करते हो, तो वहां मुंह की खाते हो, यानी कुछ प्राप्त नहीं होता आपको। इन्वेस्टमेंट हो जाती है, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, या किसी तरीके की मेहनत की हो, हार्डवर्क किया हो, फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो, आपको वहां पर फेलियर देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वो किसी और पर्पस से कर रहे हो, आपका रीजन क्लियर नहीं है, आप कॉपी कर रहे हो किसी को, या किसी ने आपको भड़काया है या इन्फ्लुएंस किया है, या आप किसी को कुछ प्रूव कर रहे हो, किसी को इम्प्रेस कर रहे हो, किसी को कुछ शो ऑफ करना चाहते हो, तो ऐसी चीजों में आपको कुछ प्राप्त नहीं होता और आप हमेशा चिंतन करते हो कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर फिर भी आप जबरदस्ती उस रास्ते पे जाओगे अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके, तो यहाँ पर आपको फेलियर देखना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा कुछ ना करें जो कॉपी करके किया हो, किसी को देख के इन्फ्लुएंस होके, किसी की बातों में आके करना पड़े, ये किसी को कुछ साबित करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, कि किसी के आगे अपने आप को सुपर दिखाने के लिए, यानी कि सुपरमेसी दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, तो वो सब मत करिएगा क्योंकि आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा और उससे आपके पितर को रूठेंगे भी, नाराज भी होंगे, लेकिन आपको उन्हें खुश रखना है। ओके, तो ये थी व्यूअर्स रीडिंग के कौन सी दैवीय शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है, या आपके परिवार खानदान की ही कोई स्पिरिट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये मेल स्पिरिट है, मैंने आपको इतना बता दिया है। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ा गाइड कर पाएगी, थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी हेल्प किया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, तो कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ड्रीम टाइम चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगी तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊंगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।